हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश और मैं हूँ आज उत्तराखंड के जिला नैनीताल में। और यहाँ पर एक झारखंडी मंदिर, काफ़ी प्रसिद्ध शिव मंदिर है, तो आज हम यहाँ आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पर महादेव का मंदिर है और काफ़ी बड़ा मंदिर है। और यहाँ पर की इतिहास क्या रहा, कैसे रहा, कैसे इस मंदिर का नाम झारखंडी पड़ा, और हम देखते हैं यहाँ कौन है आज बाबा जी हैं, कौन है यहाँ पंडित जी हैं। प्राचीन शिव मंदिर झारखंडी सत्यम शिवम सुंदरम, महादेव का मंदिर उत्तराखंड के जिला नैनीताल में। और आज हम आपको कराएंगे महादेव के दर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो, महादेव सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दें। नंदी गाय देखिए बाहर से, मंदिर के बाहर से यहाँ सारे दर्शन कराऊंगा मैं आपको। देखिए ये संत कुटी सावनपुरी बाबा जी की, ये है देखिए बरगद का काफी पेड़, बड़ा पेड़, बेल का बड़ा पेड़। भैरव मंदिर, ओम नमः शिवाय, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो सदा। बाबा जी महादेव अपना आशीर्वाद देते रहें। छोटे छोटे मंदिर देखिए यहाँ पर, और यहाँ देखिए बहुत बड़ा विशाल पीपल का पेड़। नीचे मंदिर शनि देवता के, ओम शनि देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। इधर एक सरोवर भी बन रहा है देखिए, और ये कांवर है देखिए। यहाँ पर महादेव का मंदिर है तो यहाँ पर काफी जलाभिषेक होता है महादेव को शिवरात्रि में। ये देखिए कांवर मंदिर का। और अब हम देखते हैं यहाँ कौन रहते हैं, बाबा जी हैं या पंडित जी हैं। अजी प्रणाम बाबा जी, हमारे भक्तों को थोड़ा आशीर्वाद दे दो। और इसका नाम और थोड़ा हम आपसे ये हमारे भक्तों को आप बता दीजिए कि झारखंडी नाम कैसे पड़ा मंदिर का। झारखंडी मंदिर ऐसा पड़ा गया बहुत दिन पहले, कभी हाँ ग्वाला आया था जब मंदिर दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, तो कोई ग्वाला गाय लेके आया है, गाय चुगाते हैं, उसे रात में सपनाया। अच्छा, वो यहाँ आया, आने के बाद गाय बची हुई और वो ग्वाला भी यहीं सोते रहे। अच्छा, बाद में कोई गांव के कुछ लोग आए दो तीन दिन के बाद से, गाय भी नहीं आए, ग्वाला भी नहीं आया, तब देखा वाल किया तो यहाँ पर आए। हाँ, तो जंगल ही जंगल था जब, बहुत पुरानी बात हो गई आज की थोड़ी। कितने साल पुरानी हो गई मंदिर तो है ये 200-250 साल 300 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, लेकिन उजागर 200 साल तो हो गए होंगे जब ये जब से उजागर हुआ मालूम दिया। अच्छा, तब से कार्य चली रहा है। झाड़ होता है, झाड़बंदी तब नाम बड़ा है, के लिए झाड़ होता था, जंगल था, जंगल। अच्छा, था यहाँ तब घास होता था, मंदिर कैसे पड़ा तब वो झारखंडी नाम पड़ा। अच्छा, आजकल वो बना रहे हैं ना छत वो। हाँ, एक भक्त, एक भक्त और हैं जरा उनसे भी हम जान लें। हाँ, आप बताइए। वो झाड़ होता था ना जिससे ये छतों को सहते हैं। अच्छा, ढकते हैं। हाँ हाँ, उसी ऐसे झारखंडी नाम पड़ा है इसका। अच्छा, झाड़ काफी होता था। तो यहाँ मंदिर था पहले से या बाद में बने? अब हमने तो मंदिर ही देखा, लेकिन पहले से पुरानी बात खाली शिवलिंग था। अच्छा, खाली शिवलिंग के में था पेड़ के नीचे झाड़ी में, वो ग्वाला झाड़ी में, तो वो ग्वाला को सपनाया तो वो वहीं रहा, गाय भी बच्ची भी, तब ढूंढा लोगों ने। अच्छा, झाड़ी में क्या चीज है, अच्छा, तब जाकर मिला झाड़ी में। झाड़ी में खोदने में वो मैदान बनाया, वो शिवलिंग निकले, शिवलिंग निकले तो उनकी स्थापना की। अच्छा, सब कुछ सही रहा फिर।
तब झारखंडी मंदिर पड़ा, झारखंडी नाम पड़ा, ये झाड़ी के अंदर ही थे। वहाँ पर खोदा तो वहाँ लिंग निकला है। वहाँ खोदा तो लिंग को गहरा खोदा उनने, नहीं पता नहीं चला। अच्छा, उनने कहा भाई ये तो साक्षात शिव जी है। अब तुम ये देखो कि उनने सफर बना दिया, यहाँ पर पूजा पाठ करने लग गए। अच्छा, पृथ्वी से हाँ हाँ इतना ऊंचाई में है हाँ पृथ्वी, उसके बाद भी इतना ऊपर खड़े अब भी है शिवलिंग हाँ। फिर भी इतना फर्श डाला, इतना मिट्टी डाली, फिर भी शंकर जी की उत्पत्ति ऐसी है ऊपर ही हाँ, सही बात है। 1 फीट ऊंचे होंगे, नाप के आओ देख के हाँ, आओ हाँ, हाँ, लाना हाँ। कि 1 फीट ऊंचा फिर भी ऊंचा है हाँ। लोगों ने क्या क्या किया, कितनी मिट्टी डाली, कितना फर्श डाला है, कितना ऊंचा हाँ, किया है हाँ। फिर भी शंकर जी अपने ऊपर ही है, नहीं है अंदर नहीं है। तो एक बार और भक्तों को थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो। एक शक्ति है भगवान की, प्राचीन मंदिर है हाँ। और ये कोई बनावटी बनावटी नहीं है हाँ, नहीं ये कुछ नहीं है। और ये इसमें जो भी भक्त आते हैं तो सबकी मानता प्रार्थना पूरी होती है, मानता जो भी कह के जाता है, जो भी बोल के जाता है। जब तक यहाँ भिक्षु पुजारी थे तब तक तो ऐसा देवता था ये, ऐसे शिव जी थे, रात भर कीर्तन भजन करेंगे, को कीर्तन भजन करते ही दुआ करेंगे कि कल सुबह बारिश हो जाए, कि बारिश की कमी है यहाँ, तो दूसरे दिन बारिश हो जाएगी। बारिश इतनी होती है कि उन्हें जाने तक का नदी नहीं मिलती है, रास्ता नहीं मिलता है जाने तक का, अब इतनी बारिश होती है। बरसात में बाढ़ आ गई तो परेशान हो गए इधर उधर जाने में। जब वो निवेदन करें एक रात भर कीर्तन भजन करें, रात भर करते थे वो। अच्छा, सुबह ही नहा धोके खाते थे। अच्छा, तो वो कहेंगे धूप निकल जाए, धूप निकल जाती है। बताओ, ऐसा तो मैंने खुद देखा। अच्छा, 25 साल 30 साल पहले। अच्छा, ये इतना मुंह मांगा था। तो एक बार हमारे भक्तों को फिर आशीर्वाद दे दो आप। जय हो भक्तों की, जय जयकार रहे, ओम नमः शिवाय। हमारे मंदिर की तरफ से शुभकामनाएं, जय जयकार रहे, भोलेनाथ बाबा की सबकी दया रहे। हर हर महादेव।